हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज डिस्कस करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे करेक्ट करते हैं और एक्सचेंज रेट से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट या तो आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है? तो अगर नेगेटिव है तो कैसे ठीक करोगे? पॉजिटिव है तो इन्वेस्टमेंट करोगे ही करोगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर नेगेटिव है तो क्या करोगे? तो नेगेटिव अगर है तो सबसे पहले आप मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करोगे, नंबर वन, ठीक है? तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो जाएगी, उसके बाद आप फिस्कल पॉलिसी को जो है वो स्क्वीज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे, एक्सपेंशन नहीं करोगे उसका, ठीक है? तो इससे होगा क्या, इससे आपका जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर जो है वो आपका रिड्यूस होने के साथ साथ बीओपी उससे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका यह है इसके साथ साथ कि आप क्या करोगे, डिवेल्यूएशन करोगे, ठीक है? डिप्रिसिएशन और डिवेल्यूएशन दो तरीके होते हैं जो है बीओपी को ठीक करने के लिए। डिप्रिसिएशन जो है वो गवर्नमेंट करती है, और डिवेल्यूएशन डिप्रिसिएशन मार्केट करती है, और डिवेल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर आपने डिवेल्यूएशन भी कर दिया, डिप्रिसिएशन अपने आप मार्केट कर देगी, और मॉनेटरी पॉलिसी आपने टाइट कर दी, फिस्कल पॉलिसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं उससे बीओपी ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। तो एक्सचेंज रेट में क्या है, अगर आपको बीओपी ठीक करना है तो अपने आपको क्या करना होगा, अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ाओगे तो बाहर से पैसा आएगा, तो रुपी जो है हमारा वो डिप्रिशिएट कम होगा, एप्रिशिएट होगा, बीओपी हमारा थोड़ा ठीक होगा उससे। तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना है हमको अगर हम बीओपी को ठीक करना चाहते हैं एक्सचेंज रेट के माध्यम से, ठीक है? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि एक्सचेंज रेट मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मोटर गाड़ी, तो कार समझ लो आप, तो कार हमेशा आप मूविंग में होनी चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आप मूविंग करें, यानी अपनी कार को चलाइए, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपेंशन हमेशा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ही करना चाहिए, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी का कभी भी जो है वो यूज नहीं करना चाहिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, क्योंकि एफ से फिक्स और एफ से जो है फिस्कल पॉलिसी, ऐसे ध्यान रखना, फिस्कल पॉलिसी हमेशा फिक्स होनी चाहिए, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करना चाहिए, अदरवाइज फिस्कल पॉलिसी का यूज नहीं करना चाहिए, एक्सपेंशन उसमें नहीं करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशन करना चाहिए अगर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल है। तो आप ध्यान रखना, फ्लेक्सिबिलिटी जब होगी तभी आपकी बाइक चलेगी, तो बाइक मीन्स मोटर बाइक, तो और फिस्कल पॉलिसी फिक्स रहनी चाहिए, एक्सपेंशन उसका तभी होना चाहिए जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हो। तो ये आप ध्यान रखना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में ही एक्सपेंशन करें आप फिस्कल पॉलिसी में, अदरवाइज ना करें। तो ये फिस्कल पॉलिसी मेजर्स हैं और मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स हैं। एक्सपेंशनरी कब करना है और एक्सचेंज रेट की क्या कंडीशन है। एक्सचेंज रेट अगर आपकी फ्लेक्सिबल है, मोटर बाइक दौड़ाओ आप, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशन दो। अगर आपकी फिस्कल पॉलिसी को आपको एक्सपेंशन देना है तो सबसे पहले आप एक्सचेंज रेट को फिक्स करो, ठीक है? तभी आप फिस्कल पॉलिसी को स्टिमुलस दो, अदरवाइज मत दो। तो ये चीजें हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, बीओपी को कैसे करेक्ट करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमारी ग्रोथ अच्छी है तो हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होगा, क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है फॉरेन करेंसी की। अगर हमारी इनकम अच्छी है तब भी हमारा रुपी डिप्रिशिएट होगा, ठीक है? इनकम अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, हमेशा रुपी डिप्रिशिएट होगा। और अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बाहर से पैसा हमारे यहाँ आएगा तो हमारा रुपी अप्रिशिएट होगा। तो ये आप ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से रुपी अप्रिशिएट होता है, अदरवाइज नहीं होता। इनकम बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब आप कहोगे आज़ादी के टाइम पे हमारा $1 ₹1 के बराबर था, अब 68-67 हो गया है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है, हमारी इनकम बढ़ी है, इसलिए हमारी डिमांड बढ़ी है डॉलर की, और इसीलिए हमारा रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, ये इसका मीनिंग है। तो ऐसे लेसन्स को आप देखते रहिए, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, और आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेसन्स हम आपके सामने लाते रहेंगे क्विक रिवीजन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, बाय।